एबीपीएस न्यूज। नमस्कार, एबीपीएस के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। विधायक जी चले गांव की ओर, आपके साथ है रश्मि। और आज हम बात करने जा रहे हैं श्री रत्नाकर मिश्र जी से, जो कि अभी 396 विधानसभा विंदधाम मिर्जापुर से हैं। इतना ही नहीं, ये आरएसएस के पदाधिकारी भी रह चुके हैं। तो आइए, आज हम बात करने जा रहे हैं विधायक जी से, और आज हम इनसे बात करेंगे गांव की समस्याओं के बारे में। आखिर क्या है गांव की समस्या, और इन्होंने अपने कार्यकाल में ऐसा क्या किया जिससे जनता काफी खुश है और अभी भी बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रही है। तो आइए हम बात करते हैं इनसे। जी हाँ विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। हम अपने जो गांव साइड के हैं, तो गांव साइड में जो रोड था, हम रोड पीडब्ल्यूडी या जिस भी विभाग से था उसको हमने पूर्ण करा दिया, इसलिए रोड का हमारे क्षेत्र में करीब 90% समस्या खत्म हो गया है। और लोगों से जैसे अपने परिवार से मिला जाता है, वैसे हम बताते हैं क्षेत्र में जब हम केवल सदन रहता है तभी हम यहाँ रहते हैं, नहीं सदन नहीं रहता तो हम अपने क्षेत्र में ही रहते हैं। कहीं ना कहीं हम सुबह से लेकर रात तक हम क्षेत्र में लोगों से जैसे अपने परिवार में मिला जाता है वैसे हम लोगों से मिलते हैं। कोई भी समस्या अगर आता है तत्काल उसका हम निराकरण करते हैं, इसलिए अपने क्षेत्र का जनता आज भी मुझसे जुड़ी है और आगे भी रहेगा। और रामपुर एक घाट है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने वार्ता किया, उन्होंने कहा कि इसको भी हम देखेंगे। और विंध धाम में रामगया घाट से लेकर एसपी बंगला तक गंगा किनारे जो बसा हुआ है, एक तरह से कटान है, तो उनसे हमने अभी गए थे दर्शन करने, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से ने हम कहा आप आए हैं दर्शन करने, क्योंकि माँ के दरबार के हम पुजेरी भी हैं, तो उनसे कहा कि मुझे दक्षिणा स्वरूप आप रामगया से लेकर एसपी बंगला तक गंगा किनारे किनारे मुझे रोड दे दीजिए, जिसके द्वारा कि गंगा का कटान भी दूर हो जाएगा और जो गंदा नाली का पानी जा रहा है वो भी समस्या खत्म हो जाएगा, सीधे गंगा में नहीं जाएंगे और वो सीधे फिर कृषि कार्य में सिंचाई में काम आएगा। इन्होंने मैंने मुख्यमंत्री जी से यह वार्ता अभी आपको 10 तारीख को हमने किया। जी हाँ, अगर मैं बात करूँ मिर्जापुर की, तो अभी आप क्या कहना चाहेंगे वहाँ की जनता और वहाँ की अभी तत्कालिक समस्याएं क्या आ रही हैं? तत्कालिक समस्या वहाँ एक पीतल उद्योग है, दिनों दिन राजनीतिक कारणों से वो एक तरह से नीचे चला जा रहा है, क्योंकि पूरे विश्व का रेट किसी जमाने में मिर्जापुर से ही खुलता था। 1835 में पीतल उद्योग मिर्जापुर में ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थापित किया था, लेकिन राजनीतिक कारणों से उसका दिनों दिन पतन होता चला जा रहा है। उसके लिए हमने क्लस्टर योजना के तहत 2 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी से विधानसभा में पास कराकर ट्रेनिंग के लिए पीतल के लिए कि नया नया कारीगर नया नया बर्तन बनाए, इसको भी हम वहाँ ले गए। और माननीय मुख्यमंत्री ने पहली बार स्वतंत्र भारत के बाद अगर बजट दिया है तो विंध्यधाम के लिए दिया है, 10 करोड़ रुपया उन्होंने दिया है। अभी वो माननीय मुख्यमंत्री जी परसों गए थे, उन्होंने जिलाधिकारी से और सिटी मजिस्ट्रेट सभी से कहे कि विंध्याचल के लिए आप लोग प्लानिंग करिए, जो कि माँ का दरबार है, क्योंकि विश्व विख्यात है, देश विदेश से लोग आते हैं यहाँ से, अच्छी छवि लेकर जाएं और हर तरह से सफाई रहे और गलियाँ भी ठीक रहे, और प्लान बनाकर भेजिए, जो भी होगा हम यहाँ के लिए पूर्ण करेंगे, उन्होंने आश्वासन देकर आए वहाँ। जी हाँ, जैसा कि हम जानते हैं कि आप माँ के दरबार से हैं, तो वहाँ पे ये बात तो है कि देश विदेश से लोग आते हैं दर्शन करने जाते हैं, लेकिन वहाँ की सड़कें जो है वो अभी भी बहुत हद तक खराब है, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि अभी तो मेरी सरकार एक तरह से आए 25 दिन की अपनी सरकार हुई, तो एक तरह से अभी 2 महीने के ये सरकार एक तरह से बच्चा हुआ। कोई भी होता है तो 1 साल के बाद 2 साल के बाद आता है, इतना दिना से करीब 60-70 साल का जो विकास था, अब धीरे धीरे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आए हुए हैं,
माननीय प्रधानमंत्री जी भी अभी कल ही अपने मिर्जापुर में 75 मेगावाट का सोलर वाट का बिंदधाम में उन्होंने उद्घाटन किया। फ्रांस के माननीय राष्ट्रपति आए थे उनके साथ और उन्होंने वहां का देखा, और आने वाले वक्त में काशी के साथ विंध्याचल का भी विकास करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसको भी हम जोड़ेंगे। जी हाँ, और अगर आपकी हम मिर्जापुर की बात करें तो आप हमें वहाँ के रोजगार के बारे में अवगत कराएं जरा कुछ शब्दों में। रोजगार वहाँ का सबसे बड़ा पीतल है, पीतल में करीब 50,000 लोग उसमें काम कर रहे हैं आज के भी दिन। अगर उसका परम वैभव आएगा तो सब चीज़ अपने आप वैभवशाली हो जाएगा, क्योंकि मिर्जापुर से ही पूरे विश्व का पीतल का रेट खोला जाता था और कालीन उद्योग वहाँ है। यह दो तरह का है, और जब अच्छा रोड हो जाएगा, गंगा के किनारे किनारे जब एक तरह से फ्रंट बन जाएगा तो पर्यटक अपने आप आएंगे। जब पर्यटक जब बाहरी आएंगे तो अपने आप लोगों को रोजगार मिलेगा, भोजन पानी, दुकान, होटल, ऑटो रिक्शा, मतलब तमाम तरह का यह आवागमन जब पर्यटक का होगा तो पैसा का वहाँ लक्ष्मी का बौछार होने लगेगा। जी हाँ, जैसा हम जानते हैं कि लोगों का आना जाना लगा रहता है, माँ का दर्शन सब करते हैं, लेकिन ऐसा भी देखा जाता है कि वहाँ की जो जनसंख्या है, जो जनता है, वो अभी शिक्षा को लेकर अगर बात करें तो शिक्षा के लिए भी वहाँ से पलायन कर रही है। मीन्स मिर्जापुर में अगर हम शिक्षा की बात करें तो अभी जितने भी युवा पीढ़ी हैं वो वहाँ ना रह के अभी अन्य शहरों में जाके शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए इतना तेजी से काम लगवाए हैं कि एक साल के अंदर वो पूर्ण हो जाएगा। वहाँ के बच्चे कहीं भी पलायन नहीं करेंगे, और शिक्षा का जैसे वहाँ BHU है, एक कैंपस हाउस मिर्जापुर में भी बना, काशी के जो BHU उससे बड़ा जमीन है। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी से वार्ता करके इसका भी हम लोग विकास कराएंगे कि शिक्षा के जगत में जैसे माँ विंध्यवासिनी आदिशक्ति लक्ष्मी स्वरूपा हैं और विद्या रूपिणी, एक तरह से वहाँ कॉलेज भी अच्छा होना चाहिए जो कि देश विदेश के लोग आकर वहाँ दर्शन भी आशीर्वाद भी लें और वहाँ शिक्षा भी ग्रहण करें। मेरा एक तरह से जी हाँ, हम भी यही चाहते हैं कि जो देश से लोग दर्शन के लिए आते हैं वो यहाँ से शिक्षा भी ग्रहण करें। तो अगर हम लोग वहाँ बात करें, वहाँ पे अगर मिर्जापुर में ऐसा देखा जाता है कि बाल मजदूरी भी आज एक बहुत बड़ी चीज रह गई है वहाँ पे, तो इसके लिए आप बाल मजदूरी के लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बाल मजदूरी अब धीरे धीरे खत्म हो गया है, और कुछ कारण भी है, लोगों का एक तरह से लाचारी भी है, जिनके माता पिता नहीं हैं वो बच्चे अभी तक करते आए थे, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है सबका साथ सबका विकास, उन लोगों के लिए अच्छे कॉलेज में डलवाने के लिए हम लोग जो नॉलेज में आता है कोशिश करेंगे और पढ़ाई कराएंगे, क्योंकि आपके डगमगपुर में एक विद्यालय है, वहाँ पर हम लोग दूसरी जगह से लोग गरीब बच्चे रहते हैं वहाँ लेकर निःशुल्क पढ़ाई कराते हैं, कपड़ा लत्ता भोजन पानी सब देते हैं। अगर हमारे नॉलेज में आएंगे तो उनके लिए भी हम करेंगे, और हम अपने पैसे से स्वतः भी कर देंगे, क्योंकि हम करीब 12 साल से किसी से चंदा नहीं लेते। 3 गरीब कन्याओं का शादी शिवरात्रि के दिन हम अपने ही द्वारा हर साल हम करते हैं, हम पति पत्नी दोनों लोग कन्यादान भी करते हैं। जी हाँ, आपने बहुत ही अच्छा काम किया है वहाँ के लिए। और अगर आप अपने कार्यकाल में ऐसी मुझे कोई ऐसी चीज बताइए जिसके लिए जनता काफी प्रसन्न रही है और आगे भी आप उन्हें प्रसन्नता ऐसे ही देते रहेंगे। जनता वहाँ की जो है हमारे ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास है, क्योंकि रामपुर घाट का जो रोड बनवाने के लिए और वहाँ का ओवर ब्रिज गंगा पर है, यह विधानसभा में है कि जब पैसा आएगा उसको हम कराएंगे। और रोड भी जो है एक तरह से पहली बार हुआ है कि 8200 करोड़ रुपया केवल मेंटेनेंस के लिए केंद्र सरकार अपने मिर्जापुर के लिए दिया है, ड्रामलगंज से लेकर टिंगरा मोड़ तक, उसमें से ज़्यादातर हिस्सा हमारे मिर्जापुर का है। अब विद्युत के लिए जो हमारे माननीय योगी जी का और प्रधानमंत्री जी का सपना है कि अपने देहात से किसान भाई आएँ
तो कम से कम अपने पत्नी का रात्रि में अंधेरे में न रहे, मुखड़ा तो देख लें एक दूसरे का, यह उनका। इसीलिए उन्होंने 76 मेगावाट का उन्होंने वहाँ शिलान्यास का उद्घाटन किया, जो कि चालू वो हो गया। विद्युत समस्या एक तरह से किसान के लिए भी, जो जनरेटर से काफ़ी खर्चा होता था, अब 24 घंटा वहाँ बिजली रहने लगा। इसलिए अपने क्षेत्र का जनता पूर्ण रूप से खुशहाल है, और जो छोटा मोटा है विशेष समस्या नहीं, उसको हम लोग पूर्ण रूप से कराएंगे माननीय मुख्यमंत्री या जिस भी विभाग का रहेगा मांग करके। जी हाँ, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या ये आती है वहाँ पे कि अगर आप स्वास्थ्य की बात करें तो वहाँ पे ये देखा जा रहा है कि मिर्ज़ापुर में बहुत अच्छे अस्पताल ना होने की वजह से लोगों को वाराणसी जाना पड़ रहा, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अभी हमने पॉपुलर हॉस्पिटल एक प्राइवेट वहाँ खुला, और अपना सरकारी हॉस्पिटल आज काफ़ी हद तक अच्छा हो गया, और एक अपना नया बिल्डिंग बनकर तैयार हो गया है। अगर देखा जाए तो बिल्डिंग PGI से भी अच्छा वहाँ तैयार हो गया है। लोगों से वार्ता कर रहे हैं कि कोई उसको कायदे से चलाएं, जिससे कि समस्या हल हो जाए। और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से हमने वार्ता किया कि वहाँ हृदय रोग और एक दो जो रोगों का कमी है वहाँ डॉक्टर दें, जिससे कि वहाँ की जनता कहीं बाहर न जाने पाए। जी हाँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या होती है स्वास्थ्य की समस्या, क्योंकि स्वास्थ्य रहे तभी आगे बढ़ सकता है कोई भी। और अगर हम बात करें आपके मिर्ज़ापुर में जो सबसे बड़ी अभी पानी की जो समस्या हर जगह देखी जा रही है, उसके लिए आपकी सरकार या फिर आपने जो नए कदम उठाए हैं या फिर जो भी किया है, इसके लिए आप हमें क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री और सबसे बात हुआ है, सोलर पंप के द्वारा बोरिंग कराकर टैंक बनवाकर वो सप्लाई दिया जाए। अभी वार्ता हो भी रहा था, परसों हमारे प्रभारी मंत्री आए थे कि ये चापाकल जो दिया जाता है, यह हर घर में वो दूसरे का पानी नहीं भरने दिया जाता, तो हम लोगों से कहे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ये सोलर लाइट वाला से आप बोरिंग कराकर और पानी सप्लाई कराइए, जिससे कि कई लोगों के गांव का यह समस्या दूर होगा। इसके लिए माननीय प्रभारी मंत्री से हम लोगों का बैठक होकर 10 तारीख को यह पूर्ण रूप से हो गया है। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगर हम आपसे लास्ट में अंतिम प्रश्न ये करना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल की तरफ से अगर कोई संदेश लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं तो वो आप क्या बोलेंगे? हम आपके चैनल के द्वारा यही संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी हो या माननीय योगी, जो ये काम कर रहे हैं, ये आने वाले भविष्य में एक तरह से अपने देश अपने प्रदेश का इतना ज़्यादा विकास होगा कि कोई सोच नहीं सकता। क्योंकि जो कोई भी नया काम आता है, लोगों को लगता है कि हमारे लिए दिक्कत, लेकिन दीर्घ काल के लिए ये माननीय मोदी जी का जो सपना है कि भारत खुशहाल होगा और पुनः भारत देश विश्वगुरु के ओर अग्रसर होगा। आप देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जिस भी देश में जा रहे हैं वो देश भारतमय हो जा रहा है। वही अमेरिका हाथ में पकड़कर अपने व्हाइट हाउस घुमा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रधानमंत्री जाता था, इतना इज्जत वहाँ के राष्ट्रपति कभी भी नहीं करते थे। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस खास कार्यक्रम को इतना अच्छा बनाने के लिए, और काफ़ी अच्छी बातें बताई आपने। तो ये थे हमारे साथ श्री रत्नाकर मिश्र जी, जो कि कल ही माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर 75 मेगावाट सोलर की उद्घाटन कराए मिर्ज़ापुर में। तो इनसे हम लोगों ने बात करी अभी फिलहाल मिर्ज़ापुर के बारे में, और इन्होंने बहुत ही अच्छे से हमें रूबरू कराया वहाँ से, आखिर क्या थी वहाँ की समस्या और क्या रह गई है अभी क्या हालत है, और पूरी उम्मीद है कि ये आगे अपने पूरे कार्यकाल में बहुत ही आगे और भी जनता को सारी खुशहाली देंगे और अच्छा काम करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद इनका हमारे इस खास कार्यक्रम में। अब रश्मि को दीजिए इजाजत, आज के लिए बस इतना ही। ABPS न्यूज़ लखनऊ।